क्लास 11 मैथमेटिक्स समुच्चय एक्सरसाइज 1.5 को समझने से पहले हमें पूरक समुच्चय और दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर इसे समझना होगा। तो पूरक समुच्चय क्या होता है? पूरक समुच्चय या कोई समुच्चय A है और हमें इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है तो इसके समष्टीय समुच्चय U, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं इसे, यू को, यू में से ए को घटाने से हमें ए डैश या ए सी, इसे हम पूरक समुच्चय कहते हैं, पूरक समुच्चय प्राप्त होता है। एग्जाम्पल जैसे यू दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इतना दे रखा है और ए दे रखा है 2 और 3। तो अगर हमें इसका पूरक समुच्चय निकालना है तो इसे शो करेंगे ए सी इक्वल टू यू माइनस ए, और यू हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें से माइनस करेंगे 2, 3 तो क्या बचा 1, 4, 5, 6, 7 ये इसका पूरक समुच्चय होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूरक समुच्चय को, पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं तो ए होता है, ए डैश का डैश निकालेंगे ए होगा। पूरक समुच्चय को हम ए सी से शो करते हैं या ए डैश से शो करते हैं या सी ए से भी शो कर सकते हैं, ए सी से या ए डैश से या सी ए से, इनका मतलब कि सी ए से शो करते हैं। इसको वेन डायग्राम से हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये यू समष्टि समुच्चय हो गया, यू माइनस ए इज इक्वल टू ए सी रेखांकित रेखांकित भाग, ठीक है। इस तरह से जो ए में होगा वो यू में नहीं होगा और जो यू में होगा वो ए में नहीं होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू यू, या एक्स बिलोंग्स टू यू तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से पूरक समुच्चय क्लियर हुआ। नेक्स्ट है दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसे हम ए के बाद ये वाला साइन लगा के प्लस को सर्किल में करके इस तरह का साइन से शो करते हैं या डेल्टा वाले साइन से शो करते हैं इसको सममित अंतर को। तो दो समुच्चयों का सममित अंतर होता है इन दोनों का यूनियन में से इन दोनों के इंटरसेक्शन को घटा देते हैं, या फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है। सपोज करो हमें यहाँ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 से बना हुआ कोई समुच्चय है और बी इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 से बना हुआ कोई समुच्चय है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए है 1, 2, 3 और ए माइनस बी, ए माइनस बी 1, 2, 3, 4, 5 में से बी घटाओगे तो 4, 5 कॉमन है, 4, 5 को हटाने के बाद बचेगा 1, 2, 3 तो ए माइनस बी हो गया 1, 3 1, 2, 3 यूनियन बी माइनस ए हो गया, बी में से ए घटा दो 4, 5 घटा दो तो 6, 7, 8 बचा, 6, 7, 8 इन दोनों का यूनियन लेंगे सर्वनिष्ठ तो 1, 2, 3, 6, 7, 8 ये इसका आंसर होगा। इसे हम इस तरह से शो करते हैं वेन डायग्राम से, ए और बी का जो सममित अंतर है वो रेखांकित के द्वारा, ए और बी ये बीच में जो कॉमन आया है उसका एक सेक्शन है उसे छोड़ के ये बाकी का रेखांकित भाग है, इसे ए और बी का सममित अंतर देते हैं, या इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से जब शो करेंगे जब बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हों, यहाँ बी के सभी अवयव ए में नहीं है तो ए और बी के जो कॉमन है उन्हें छोड़ दिया गया है, बाकी के जो जो दूसरे अवयव हैं वहाँ रेखांकित दिया गया है। यहाँ ए और बी में कॉमन वाले ये हैं, बी के सभी अवयव कॉमन है तो बी अंदर रखा गया, इस तरह से ये जो रेखांकित भाग है इसे ही हम ए और बी का सममित अंतर कहेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।